नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो फ्लिपकार्ट यूजर्स के लिए। दोस्तों अगर आप भी जो फ्लिपकार्ट अकाउंट का जो उपयोग करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट अकाउंट को ऑल डिवाइसेस से एक साथ जो लॉग आउट कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट जो है हम अपने फ्रेंड के या फिर फैमिली मेंबर के किसी के फ़ोन में जो है लॉगिन कर देते हैं या फिर पीसी या लैपटॉप में किसी के भी लॉगिन कर देते हैं, उसे लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने ही फ़ोन से सारे डिवाइसेस से एक साथ जो है अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से जो है आप यह प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, वह अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर में देखिए लेफ्ट साइड में थ्री लाइन से सिंपली इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा माय अकाउंट का, सिंपली इसके ऊपर में आपको जो क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप माय अकाउंट के अंदर में आ जाएंगे। यहां पर आप अपने सारे चैनल के सभी जो आपका प्रोफाइल है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपको जाना है, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं लॉग आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस। अगर आप सिर्फ इसी ही फ़ोन से इस अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है लॉग आउट ऑफ दिस ऐप, है ना। लेकिन नहीं, मैं जो है सभी डिवाइसेस से एक साथ लॉग आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये ऑप्शन जो दिया हुआ है लॉग आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस, सिंपली इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप यहाँ पर आएगा, तो मैं श्योर हूँ मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यह जो है सभी डिवाइसेस से एक साथ जो है लॉग आउट हो जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी लॉग इन हो। दोस्तों इसी तरह से आसानी से आप जो है अपने अकाउंट को जो है सभी डिवाइसेस से लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, उसे जाकर आप जरूर देखें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।